साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है न्यायमूलम स्वराज्यम स्यात्, अर्थात किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है। इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानवी नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है। मैं इन दिनों सरकार में एक विषय पे थोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं। और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है। अभी मैंने एक टोली बनाई है, वो उसका अध्ययन कर रही है। साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है, और मुझे अच्छा लगा सीजीआई ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया, तो कल अखबारों को पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। नहीं, उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है।